नमस्ते हम लोग पुराणों में कहानी सुनते हैं कई बार कि कोई असुर होता है अलग अलग नाम से कभी मधु कैटअप कभी हैग्रीव हैग्रीव एक बड़ा इंटरेस्टिंग असुर है वो असुर के रूप में भी आता है और हैग्रीव एक अवतार भी है भगवान विष्णु के और दोनों का वेदों से संबंध है एक कहानी है जिसमें हैग्रीव वेदों को चुरा करके ले जाता है जल के नीचे जलमग्न कर देता है और दूसरी है जहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए वेदों को है ग्रीब भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और आ, कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है लेकिन वास्तव में एक संबंध है जो जब हम सीमा को पढ़ते हैं तब हम हम लोगों के सामने स्पष्ट हो सकता है होता है तो हम देखते हैं कि कोई असुर होता है और वो वेदों को जब सृष्टि का अंत होने वाला है किसी युग का अंत होने वाला है चतुरयुग का तो वो ले जाकर कहीं पर छिपा देता है और उसके बाद सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है प्रायः सभी जीव उसमें नष्ट हो रहे हैं लेकिन कुछ एक हैं जो सूक्ष्म रूप में बीज रूप में जिनको एक नाव में बचा लिया जाता है उस जल अपलावित पृथ्वी से और फिर एक नई सृष्टि की रचना होती है और फिर जो जल है वो धीरे धीरे रिसीट करता है और जो डेमन है वो एक्सपोज होता है और सारे वेदों को रेस्क्यू कर लिया जाता है तो अब ये स्टोरी अगर केवल हम लोग जैसे कई कहानियां हैं उनको कहानी के रूप में देखें तो बड़ा अजीब सा लगता है ये क्या है ये वेद कोई किताब है पानी के नीचे डाल दिया लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सच में इतने गहन सत्य हैं इंडियन मिथोलॉजीज़ में वो मिथोलॉजी है ही नहीं वो एक अलग स्तर का सत्य है लेकिन ये सत्य ना सामाजिक सत्य है ना इवन रिलीजियस बुद्धि की समझ में आ सकता है और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये बिल्कुल छिपा रहेगा ये एक अनुभव गम सत्य है और हम आज उसी अनुभव की बात करेंगे सीमा का एक अनुभव होता है उससे कनेक्टेड अब पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि सीमा बता दी कि एक पूरी मनुष्य सभ्यता है जो रिस्पोंड नहीं करती है जो खुली नहीं है जो खुलना नहीं चाहती जो रिफ्यूज़ करती है जो अनकॉन्शियस है वो इस प्रकार की मनुष्यता है कि हम जब देखते हैं कि महाभारत काल में कि स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं अपना विराट रूप दिखाते हैं लेकिन दुर्योधन ये तो माया है ये छल है इत्यादि कहकर वो नकार देता है हम रावण को भी देखते हैं कि एक के बाद एक उसके सारे अनुज उसके बच्चे उसकी पूरी परिवार एक से एक योद्धा लंका के मारे जा रहे हैं लेकिन उसको फिर भी ये अभिमान है कि नहीं ये तो साधारण मनुष्य है और मैं इन पर आराम से विजय प्राप्त कर लूँगा तो ऐसा ही कुछ जब सीमा देखती हैं अपने आसपास की मनुष्यता के अंदर इसके बहुत सारे पैसेजेस हैं लेकिन हम लोग अब उन्नीस के अंत में आ रहे हैं तो वो देखती हैं कि उन्नीस से उन्नीस तक हम सांध्य वार्ताएं पढ़ें कि सीमा अपना प्रेम प्रकाश सब कुछ उड़ेलती जा रही हैं लेकिन वो देखती हैं कि वो मनुष्य के अंदर जाकर के मानो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वे जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्या है मैं इतना कुछ दे रही हूँ लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी भी कई बार हम देखें तो शेयरविंद सीमा की वाणी जो अवेलेबल है पूरे संसार में अब तो इतने रेडिली अवेलेबल है ऑफकोर्स सीमा के बगल में बैठ के जो आनंद आता है उसको पढ़ने का तो वो है पढ़ी हुई है लेकिन अभी भी पढ़ने में बहुत कम एक इंटरेस्ट होता है या पढ़ के भी बहुत सारे डाउट्स तो उस समय सीमा ये ढूंढने निकलती हैं कि आखिर ये सारा ज्ञान जो मैं डालती हूँ वो कहाँ विलुप्त हो जाता है इसको इसी प्रकार से हम देखें कि वो कौन सा ज्ञान है जो माँ नए जगत के बारे में बता रही हैं वो वेद ही है वेद क्या है वो वो ज्ञान है जिसके आधार पर संसार की रचना होती है पहले वेद प्रकट होते हैं फिर उनके आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और जब एक युग समाप्त होता है तो वे वेद फिर विलुप्त हो जाते हैं फिर वो वापस निकलते हैं ये प्रायः प्रत्येक चतुर्युग के बाद होता है प्रलय के समय अब वो क्यों ऐसा होता है यानी अब वो मूल रूप जो सत्य है वो तो वही रहेगा लेकिन अब एक नई सृष्टि आनी है तो उसको एक नए प्रकार से उनको प्रकट होना है और विलुप्त कहाँ हो जाते हैं अवचेतन के अंदर निश्चेतन के अंदर तो वे जब देखती हैं अपने आसपास के बच्चों को कई बार माँ कहती थी कि मैं तुम लोगों के अंदर प्रश्न डाल रही हूँ तुम लोग प्रश्न क्यों नहीं करते हो इससे एक रिलेटेड uh, एक uh, थोड़ा सेमी सेमीयमरस एपिसोड भी है बहुत कम लोगों को शायद पता होगा पचहत्तर परसेंट क्वेश्चन आंसर्स में जो क्वेश्चन है वो तारा दी के हैं तो एक बार उनके पिताजी ने उनको कहा कि तू एक अकेली है जो जिसको कुछ समझ नहीं आता कि तू क्वेश्चन करती रहती है तो वो बात तो हंसी में टल गई लेकिन जब 1958 में दिसंबर के बाद सीमा ने क्लास सांधेवार्ताएँ समाप्त हो गई थी और लोग कहते थे कि नहीं सीमा एक महीने के लिए उनका शरीर अस्वस्थ हुआ इन स्पाइट ऑफ शीयरविंद के लिखने के कि सीमा की बीमारी साधारण बीमारी नहीं होती है फिर भी आप अगर अभी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो बिकॉज शी वॉज नॉट वेल तो ये हम लोगों की सोच की सीमा है लेकिन सीमा क्या कर रही थी उस समय सबके अवचेतन के अंदर प्रवेश करके कार्य कर रही थी खोलने की चेष्टा कर रही थी क्योंकि वे जानती थी कि समस्या मनुष्य की नहीं है ये एक तरीका है जो हम लोग अब तक कहते आए कि भगवान ने तो सृष्टि परफेक्ट बनाई मनुष्य ने उसको बिगाड़ दी तो मानो कि मनुष्य को कंसल्ट किया गया था और मनुष्य का बहुत कुछ लेना देना था इस सृष्टि के संबंध में ये सच है कि मनुष्य को एक चुनाव दिया गया और कुछ हद तक उसका रोल है लेकिन सृष्टि के मूल में एक और चीज़ है जो एक और घटना है जो रेजिस्ट करती है भगवान के इस खेल को हालांकि वो रेजिस्टेंस भी अंत में उपयोगी सिद्ध होता है वो डिले करता है प्रोसेस को लेकिन और परफेक्ट बनाता है इसीलिए इसका उदाहरण हम लोग ले चुके हैं कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे हम लोग बिना स्ट्रगल किए बिना तैयारी के अगर अचानक चल चले जाएँ हवाई जहाज़ से अब हवाई जहाज़ तो जा रहा है उसको कोई रस्ते की मार की कठिनाई नहीं है सीधा उड़ेगा और माउंट एवरेस्ट पर उतर गया कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हो तो क्या होगा हम कुछ एन्जॉय नहीं कर पाएंगे जैसे ही बाहर निकलेंगे ऑक्सीजन के अभाव में या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और या हम ऑक्सीजन लेके भी तो भी हमारे लिए बहुत कठिन होगा वहाँ सर्वाइव करना तो इसलिए वो लंबी यात्रा जिससे हम तैयार होके जाते हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं हमारे बॉडी से धीरे धीरे सेल्स तैयार होते हैं रेड ब्लड सेल्स बनती हैं ताकि जब हम वहाँ पहुँचें तो हम उसको एन्जॉय कर सकें सही मामले में सही सही तरीके से तो ये चीज़ इसका बैकग्राउंड में है लेकिन शीमा वहाँ पे बच्चों के अंदर कि ये कैसे बच्चे हैं जो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ऐसे ऐसे बच्चे थे एक तो बच्चा ऐसा था ये नहीं कि सब बच्चे थे शीमा बताती हैं स्पष्ट करती हैं जब तारा दी उनसे पूछने जाती हैं उन्नीस में कि माँ माँ कहती हैं वॉट डू यू वॉन्ट क्या चाहिए तुम्हें तो तारादी कहती हैं माँ आप क्लासेस क्यों नहीं रिज्यूम करती हैं तो सीमा कहती हैं कोई इंटरेस्टेड है डपट के कहती हैं जब मैं इतना कुछ डाल रही थी तुम में से कोई भी कोई प्रश्न पूछने नहीं आता था तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं तारा दी की तो फिर वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ तुम तो पूछती थी लेकिन वरना किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं और मेजोरिटी के अंदर ये भाव था तो उस समय ये सब सीमा अनुभव कर रही थी और वो देखना चाह रही थी क्योंकि नया जगत तो उतर गया है अब वो तैयार करना चाह रही है मनुष्य को लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी कि एक बच्चा था जो सीमा के पाँव को उमेटता रहता था क्यों उमेटता रहता था तब तक उमेटता रहेगा जब तक पाँव में उनके अंगूठा नीला ना पड़ जाए तो किसी ने लोगों गुस्सा भी आता था कि ये क्या कर रहा है सीमा के साथ और सीमा मना कर देती कि नहीं ये मेरे और उसके बीच में है अब वो क्या प्रयास कर रहा था कि मैं देखूं भगवान को पीड़ा होती है कि नहीं क्योंकि अगर ये भगवान है तो इनको पीड़ा नहीं होगी अब देखिए मनोवृत्ति देखिए भगवान है चेतना में भगवान है जब उन्होंने मानव शरीर लिया है तो मानव शरीर की समस्याएं भी साथ में ली है ये थोड़ी कि वो भगवान है तो ऑटोमेटिकली उनको ना कोई भौतिक कष्ट होगा ना कोई भावना नहीं होगी भावना शून्य होंगे कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी लोगों ने किए कि भगवान है तो हम उनको कुछ भी अगर पानी कैसा भी पी लें उनको क्या आवश्यकता है कि साफ़ पानी पिए तो शेयरभिंद ने उसको काउंटर क्वेश्चन किया कहा कि लेकिन तुम क्यों चाहोगे कि भगवान को मैं कीड़े से कीड़ों से भरा हुआ पानी पिलाना चाहूँ गंदा पानी पिलाना चाहूँ तो ये एक मानसिकता है जो इस प्रकार से सोचती है कि भगवान ओमनी पोटेंट है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं उनको तो कोई असर नहीं पड़ता वो तो मानव भावना शून्य है लेकिन अगर हम रामायण भी पढ़ें महाभारत भी पढ़ें श्री कृष्ण लीला श्री राम का चरित्र और श्री अरविंद सीमा तो जब भी अवतार का शरीर लेते हैं तो मानवोचित सारी संभावनाओं को अपने अंदर समेटते हैं तो वो भी महसूस करते हैं जब वे संसार को देखते हैं लेकिन वो जो महसूस करते हैं बिल्कुल भिन्न होता है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझें कि चैत्य का एक सौरव भी होता है तो चैत्य का सौरव क्या है तो चैत्य का सौरव यह है दुख ये है जब वो देखता है कि चारों तरफ उसके जो पार्ट्स हैं नेचर के मन प्राण शरीर ये अपनी गति से जा रहे हैं दे आर डांसिंग टू देर ओन ट्यून लेकिन वो चाहता है कि वे वैसा नहीं करें तो उसी प्रकार से चैत्य का सौरव जब वो देखता है अपने चारों तरफ की लोग भगवान को ना किसी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और चारों तरफ रेजिस्टेंस है ना केवल सौरव होता है एक चैत्य का एक एंगर भी होता है एंगर वर्ड नहीं यूज करते हैं उसको साइकिक रात यह वर्ड कहा गया है शेरविंद अरविंद सीमा ने उप, यूज किया है जब वो देखता है कि भगवान की इंसल्ट हो रही है भगवान के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसका भी चैत्य अंदर में जागा हुआ है उसके अंदर ये स्पष्ट ही ये भाव आएगा तो चैत्य भाव होते हैं केवल ये नहीं कि एक इमपर्सनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है भगवान भाव शून्य है भाव शून्य नहीं है उनके अंदर दिव्य भाव है जैसे हमारे अंदर चैत्य के अंदर चैत्य भाव होते हैं तो ऐसे ही कुछ भाव जब वो देखती है मनुष्यता को तो एक दिव्य भाव की मैं ये सब डाल रही हूं तो क्या है इनके अंदर जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो एक सैंपल है ह्यूमैनिटी की तो फिर माँ प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं सबके मन के अंदर और फिर उनका अनुभव होता है ये पाँच नवंबर उन्नीस का अनुभव है फिफ्थ नवंबर 1958 जिसकी चर्चा वो बाद में करती हैं दस एक दिन बाद तो तेरह नवंबर को फिर वो बताती है कि मैं उसमें घुसती जाती हूँ घुसती जाती हूँ जैसे जैसे जाती हूँ ऐसा लगता है कि मैं चट्टानों के बीच से और ऐसी चट्टाने जो धीरे धीरे और करीब आती जा रही हैं उसके बड़े नोकीले से एजेज हैं जो कहीं पर भी छील सकते हैं बड़े रफ़ रफ भी हैं और बड़े नीडल की तरह हैं एजेज हैं और और वो संक्रेय होते जा रहे हैं संकीर्ण होती जा रही है यहाँ तक कि दम घुटने लगता है और एक ऐसी अवस्था में माँ पहुँचती हैं जहाँ कोई अंतहीन बॉटमलेस और वो इतनी संकीर्ण अवस्था है कि जहाँ बस थोड़ी देर और रहने से दम घुट जाएगा और सीमा एक क्षण को ही आता है कि मैं इससे बाहर आ जाऊँ लेकिन वो जानना चाहती है कि क्या है और जैसे ही वो वहाँ पे उस अंतिम छोर तक पहुँचती हैं जहाँ बिल्कुल वो अंधकार ही अंधकार है वो एक अनुभव करती है कि अंदर से ही एक ऑल स्प्रिंग एक ऐसी धारा है अमृत धारा है हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग्स अक्सर इस तरह से निकलती हैं ज़मीन के अंदर से जो निकलती है और उनको ऊपर तक ले आती है एक वास्ट स्पेस में जहाँ बहुत सारे एक फॉर्मलेस वास्ट है लेकिन वहाँ पर सीड्स हैं नए जगत के तो अब ये देखिए ये कहानी को अगर हम इस तरह से देखें तो मनोमय चेतना अब वो मेंटल कॉन्शियसनेस है जो वास्तव में एक अनकॉन्शियसनेस से ड्रिवेन है अनकॉन्शियस यानी हैबिचुअल थॉट जो हमारे अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है हम बचपन से जैसे जिए वैसे ही हम जीते रहते हैं वैसे ही सोचते रहते हैं तो जो हैबिचुअल थाट्स है माइंड के फिर उसकी रिजिडिटी है जो ये चट्टानों का रूप ले रहे हैं उसके अंदर जो शार्पनेस है किस तरह से हम एक दूसरे को कैसे हर्ट करते हैं अपनी वाणी के द्वारा तो वो सारी चीज़ें जो मनो में चेतना के कारण विकृतियाँ आई हैं पशुओं के अंदर ऐसे नहीं हैं लेकिन मनुष्य के अंदर ये माइंड के कारण बहुत एक एग्रेसिव ऑपोजिशन आया है दिव्यता के प्रति तो वो सारा वो अनुभव करती हैं और वही वो असुर है जिसने वो पूरे वेद को जो नई सृष्टि का एक वेद होना है उसको छिपा दिया है कहाँ एकदम बॉटमलेस पिट के अंदर और सीमा जब जाती हैं तो इट इज़ लाइक एन एक्शन और वो जो ऑलमाइटी स्प्रिंग है वहाँ छिपी हुई अचानक वो उसको माँ वहाँ लिख नहीं रही हैं बिल्कुल लेकिन वो एक्शन सेम है Uh, बिल्कुल गॉड्स लेबर की तरह हैं सीमा बताती हैं वो उसको खोल देती हैं uh, ये उनके कलेक्टेड वर्क्स यहाँ पर नहीं है लेकिन uh, जो कन्वर्सेशन विद डिसाइपल्स हैं उसमें है कि वो वहाँ पे जाती हैं बिल्कुल गॉड्स लेबर की तरह एकदम उस महा अंधकार में और अचानक वो जो छिपी हुई पाताल गंगा है जहाँ पे जो सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन जब उतरता है तो बिल्कुल वहाँ चला जाता है और वो जो सीड्स ऑफ न्यू वर्ल्ड हैं वो वास्तव में वेद हैं सीड्स क्या होते हैं जिनके अंदर संभावना होती है वृक्ष बीज से ही सृष्टि प्रारंभ होती है तो वो बीज है वही वेद है बीज ज्ञान जो है वो बीज रूप में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो नई सृष्टि का जो बीज है जो श्री अरविंद अंदर जा कर के निकाल करके लाते हैं जो गॉड्स लेबर में उनका आ, हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ सावित्री के रूप में उन्होंने प्रकट की है सावित्री क्या है ये नया वेद है ये आगत काल का वेद है मूल वेद तो आधार है ही जो वेद के मूल सत्य हैं कि एकमेव द्वितीयम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ये सब तो आधार हैं ईशावास्यम इदम सर्वम लेकिन अब नई सृष्टि के लिए एक उसी के अंदर से एक नया सत्य प्रकट होना है बीज रूप में जिसके आधार पर अब सृष्टि की रचना होगी तो वो बीज माँ निकाल करके लाती हैं बिल्कुल वही जो मत्स्य अवतार की कहानी है कि हैग्रीव ने वेदों को छिपा दिया है पाताल से और वो फिर वहाँ से निकाल करके लाती हैं अब उसका परिणाम क्या होता है अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है वही जो अनकॉन्शियस है यानी वो उनके माइंड में जा रही थी चेतना के अंदर जो बिल्कुल अचेत थे कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उन्हीं के अंदर गहराई में वही संभावना छिपी है तो अब देखिए हैग्रीव दोनों ही रूप में आता है डेमन के रूप में जो वेदों को छिपाता है और हैग्रीव अवतार के रूप में है जो उसको उनको रेस्क्यू करता है हैग्रीव एक्चुअली सूर्य की वो घोड़े के रूप में भी प्रकट होता है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इसको माँ ऐसे बताती हैं सरपेंट बाइटिंग इट्स टेल कि महाअंधकार के ही अंदर वो महाप्रकाश छिपा हुआ है अब क्यों छिपा हुआ है क्योंकि अगर हम स्टेयर बाय स्टेयर अगर ऊपर जाएँ तो बड़ा कठिन होगा लेकिन हमारी बिल्कुल नजदीक क्योंकि हम महा उस महांधकार के बड़े करीब जीते हैं अनकॉन्शियसनेस में जीते हैं तो बिल्कुल बगल में वो चीज़ छिपा के रख दी गई है हमें क्या करना है केवल उसको डिस्कवर करना है अब हम सीमा के शब्दों में इस अनुभव को थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उनकी वार्ता आखिरी वाली देखेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सीमा क्या संकेत दे रही हैं अब ये कलेक्टेड वर्क मातृवाणी खंड पंद्रह है और जो हम पढ़ रहे हैं वो आ, 8 नवंबर उन्नीस को माँ तीन दिन बाद बता रही हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में एक्सपीरियंस ऑफ फिफ्थ नवंबर 1958 और ये आधार बनता है उन्नीस के न्यू ईयर मैसेज का हालांकि उन्नीस उनकी अंतिम सांध्यवार्ताएँ हैं न्यू ईयर मैसेज फॉर 1959 एट द वेरी बॉटम ऑफ द इनकॉन्शियंस

संसार की समस्याओं के मूल में निश्चेतना को कहते हैं कहते हैं उसी के कारण अग्लीनेस है विकेडनेस है निश्चेतना क्या है भगवान की ही छाया है भगवान अपनी ही परम चेतना को आत्मविलोपन करते 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 सृष्टि के इसकी कहानी आती कि सुप्रामेंटल वर्ल्ड तक आत्मविलोपन नहीं होता है लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि अनेकों अनेक सत्ताएं तो बनती हैं देवता हैं जो सुप्रामेंटल वर्ल्ड के हैं छित लोक के हैं सतलोक के हैं छिदघन लोक के हैं आनंद लोक के हैं महर लोक के देवता हैं लेकिन वो ठोस नहीं होते हैं ठोस नहीं है क्योंकि वो वननेस के आधार पर हैं तो एक कदम और जब सुपर माइंड जब मल्टीप्लेसिटी की तरफ जाता है ओवर माइंड तक फिर भी एक वननेस का आधार है उसके बाद ओवर माइंड से जब आगे इन्वोल्यूशन प्रारंभ होता है आगे जब बढ़ता है यानी आत्मविलोपन क्योंकि उसी के आधार पर वो एक चेतना अनेकों को बना सकती है आत्मविलोपन को हम ऐसे समझें कि एक व्यक्ति है इसके दो उदाहरण ले सकते हैं एक व्यक्ति है जो सुबह जब उठता है तो वो आत्मविलोपन की अवस्था से उठता है तो उसको किसी चीज़ का स्मरण नहीं है सिवाय इसके कि मैं हूँ और मैं कहाँ हूँ वो ओरिएंट करता है अपने आप को ब्रश करने बाथरूम जाएगा इत्यादि इत्यादि फिर उसको स्मरण आता है कि Uh, मेरा परिवार भी है फिर उसको स्मरण आता है कि मैं ऑफिस uh, में काम भी करता हूँ तो अलग अलग जगह फिर खेलने जाता है अलग अलग जगह वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है तो कैसे वो रोल प्ले करता है अपनी सत्ता को पीछे कर लेता है टोटैलिटी को और वो उस रोल में अब डूब जाता है अगर वो नहीं करेगा ऐसा तो मिक्सअप होगा मान लीजिए घर में किसी की लड़ाई हुई है और uh, जाकर के वो ऑफिस में बैठेगा और उसका स्मरण रखेगा तो काम ठीक से नहीं कर पाएगा एंड वाइस ए वर्षा तो ये एक उदाहरण है दूसरा एक परफेक्ट उदाहरण है प्रकृति में आत्मविलोपन का कि जो वृक्ष है बीज के रूप में अपने आप को पूरा डाल देता है एक बीज के अंदर और फिर वो बीज के अंदर एक नए वृक्ष की संभावना होती है तो बीज क्या है वो वृक्ष नहीं है बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं है लेकिन बीज के अंदर पूरे वृक्ष की संभावना है तो भगवान भी अपनी चेतना को आत्मविलोपन करते 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 एक सेल्फ एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन इसकी बात जैसे हम कोई चीज पर एक मात्र कंसेंट्रेट करें तो बाकी सब चीज़ों के प्रति हम अचेत हो जाते हैं तो इस प्रकार के सेल्फ़ कंसेंट्रेशन के द्वारा ओवर माइंड के और आगे बढ़ती 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 सृष्टि फिर कन्फ्लिक्ट शुरू होती हैं क्योंकि अब एकत्व तो का आधार नहीं है यही दिति है दिति की संतानें हैं जिनमें हैग्रीव होता है असुर होता है अदिति की संतान है जो सुपरमेंटल वर्ल्ड तक हैं और ओवर माइंड के नीचे दीति की संतानें हैं यानी वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि हायर माइंड तक तो कोई समस्या नहीं होती है लेकिन ह्यूमन मा, माइंड जिसको रैशनल एनालिटिकल माइंड और उसके नीचे के जो स्तर हैं वहाँ पे डिवीज़न बहुत प्रामिनेंट हो जाता है तो वहीं पर दैत्य दानव असुर ये सब वहाँ से उत्पन्न होते हैं और ये होते होते बिल्कुल निश्चेतना में चले जाते हैं जहाँ चार प्राइमरी असुर हैं जहाँ जो चार प्रमुख शक्तियाँ थीं भगवान की प्रकाश वो अंधकार में परिवर्तित हो जाता है सत्य वो इथ्यात्म में परिवर्तित हो जाता है जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है और चेतना अचेतनता में कॉन्शियसनेस इन टू अनकॉन्शियसनेस तो ये इन इनकॉन्शियंट बन जाता है जो बिल्कुल शेडो है भगवान का बिल्कुल अपोजिट है सारी चीज़ें उसमें भगवान की हैं इटरनल है, है इन्फिनिट है वो महाप्रकाश है ये महाअंधकार है उनके अंदर सारी संभावनाएँ सृष्टि की लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुई हैं इन के अंदर भी सारी संभावनाएं हैं सृष्टि की लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुई हैं अब वो धीरे धीरे उससे इवोल्यूशन के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है और क्यों प्रकट होती है क्योंकि निश्चेतना में कोई चीज़ प्रवेश करती है ऊपर से और वो है डिवाइन लव तो डिवाइन लव जब, जब जाता है तो धीरे 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 चेतना को रेस्क्यू करना प्रारंभ करता है तो यहाँ पर सीमा उसकी गहराई में जब जाती हैं तो वहाँ से वो उन बीज को प्राप्त करती हैं जो वास्तव में नई सृष्टि सुप्रामेंटल वर्ल्ड सुप्रामेंटल क्रिएशन का हम ये कह सकते हैं कि वेद है वो एक आधार है जिसके आधार पर यह नवीन सृष्टि होगी ये इसका वर्णन है अनुभव का कि निश्चेतना के महाअंधकार में बिल्कुल नीचे बहुत कठोर बहुत रिजिड और बहुत संकीर्ण और दम घोटने वाला वहाँ पे मैं उतरती चली गई और वहाँ पे मुझे एक ऑल माइटी स्प्रिंग एक ऐसा स्रोत मिला आ, जो पूरी तरह सर्वशक्तिमान है जिसने मुझे पूरी तरह एक फॉर्मलेस लिमिटलेस वास्ट एक निर्व्यक्त एक विशाल आ, अंतहीन आ, सत्ता में आ, चेतना के स्तर पर मैं आ गई और वो जगह नई सृष्टि के बीज से वो वाइब्रेट कर रही थी यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है वाइब्रेटिंग यानी वो सीड मान लो फॉर्म हो रहे हैं फॉर्मलेस लिमिटलेस वास्ट है तो फॉर्म नहीं है यहाँ स्पेस और टाइम नहीं है ये माँ बताती हैं बाद में लेकिन वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ वो वाइब्रेट कर रहे हैं यानी कुछ ऐसा जैसे प्रकाश हल्का सा खेल रहा हो यानी वो प्रकाश है पॉइंट्स दिख रहे हैं लेकिन वो पॉइंट्स अभी ठोस रूप उन्होंने नहीं लिया है तो वहाँ पर वो पहुँच जाती हैं फिर वो इसको अपने अनुभव को बताती हैं प्रारंभ उसी से करती हैं जहाँ जो हम लोगों ने जिसकी बात की माँ कहती कि मैं देखती हूँ कि इन सब के अंदर एक टेरिबल सोमनोलैंस सुप्त हैं ये लोग जिनके बीच में मैं बैठी हूँ टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सत्य को जानने में तो फिर उन्होंने स्वयं से पूछा बट वॉट इज देयर इन दीज ब्रेंस दैट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी थिंग बट देयर स्मॉल पर्सनल अफेयर्स कौन है ये लोग जिनको अपनी रोज की जिंदगी भोजन खेल कूद इससे अधिक इनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आफ्टर ऑल वॉट इज हैपनिंग इन साइड देयर बिहाइंड दीज फॉर्म्स ये सब लोग जो मेरे निकट बैठे इनके अंदर क्या हो रहा है ये वो जानने की इच्छा से वो संकल्प से वो अंदर जाती हैं फिर वो बता दी कि मेडिटेशन के समय मैं अंदर नीचे जाती रही मेंटल एटमोसफियर ऑफ द पीपल अराउंड मी उन सबके मन के अंदर जाती रही जाती रही वो छोटे से प्रकाश को पाने के लिए कोई तो चीज़ होगी जो रिस्पॉन्ड कर रही है और वो नीचे जाती जाती हैं ड्रैग्ड डाउन टू द बॉटम एज इफ इन टू ए होल इन द होल आई सॉ वॉट आई एम स्टिल सीन फिर वो उस विजन को देखती हैं आई वेन्ट डाउन इन टू ए फिशर एज इट वेयर बिटवीन टू स्टीप रॉक्स रॉक्स मेड ऑफ समथिंग हार्डर देन बेसल्ट ब्लैक मेटल एट द सेम टाइम जो बदलना ही नहीं चाहता है उसमें आप जैसे आप क्राइस्ट uh, से जब किसी ने पूछा कि जाके आप जगह जगह ये चीजें सुना रहे हो अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन हार्डली uh, कोई इनको रिसीव करता है सब आपके सामने तो बहुत वाह वाह कर देते हैं लेकिन हार्डली कोई चेंज होता है कहते हैं हाँ मैं तो फार्मर हूँ तो मेरा काम तो किसान का काम है मैं तो बीज डालता रहता हूँ कुछ भूमि इतनी कठोर है कि बीज पड़ के भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कुछ भूमि इतनी इतनी सॉफ्ट है इतनी नाजुक है इतनी नम है कि उसमें बीज पकड़ेगा तो जड़ नहीं ले पाएगा कुछ एक भूमि है जो सही है, तैयार है और हजार बीजों में से एक बीज उसमें पड़ के भूमि में एक वृक्ष बनता है और यही मेरा रिकम्पेंस है अब समझ आता है कि जब श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेणु हजारों मनुष्यों में कोई एक है जो ढूंढता है भगवान को और उनमें से कोई एक बिरला होता है जो पूर्णता को प्राप्त करता है तो ये क्योंकि भूमि तैयार नहीं है भगवान अपनी ओर से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये तैयारी नहीं है तो वो जाती हैं और फिर और एकदम वो संकीर्ण होता जाता है माँ वर्णन करती हैं ब्लैक होल लिटरली ब्लैक होल जो प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर नहीं जाने देता जहाँ कोई एयर नहीं है यानी जीवन नहीं है प्रकाश नहीं है थोड़ी से कोई रिफ्लेक्शन रॉक से आ रही है और वो कहती हैं कि आई कंटिन्यू टू स्लाइड डाउन द फिशर्स एंड आई सॉ एजेस द ब्लैक रॉक्स कट विथ सीजर्स एज इट वेयर शाइनिंग लाइक ए फ्रेश कट द एज शो शार्प दैट दे लाइक नाइव्स हीयर वॉज वन देयर एन अदर देयर एन अदर एवरी वेयर ऑल अराउंड आई वेंट डाउन 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 एंड देयर वॉज नो एंड टू इट इट बिकेम मोर एंड मोर ऑपरेसिव स्टाइफलिंग सफोकेटिंग यह है भगवान की कृपा कि इन सब के बाद भी वो क्या देती हैं हम सबको सदैव प्रेम आनंद ये तो उन्होंने एक न्यू ईयर का मैसेज दिया उसको एक्सप्लेन किया न जाने ऐसी कितनी सारे अनुभव हुए होंगे सीमा के एक की बात भी हुई है जब माँ कहती हैं मुझे मनुष्य के अंदर की गंदगी को जो साफ करना पड़ता है वो तो कहीं अधिक है कौवे की बीट को साफ करना तो कुछ भी नहीं है तो इस तरह से मनुष्य के अंदर वो जाती हैं फिर वो जब जाती हैं तो बिल्कुल एकदम वेरी बॉटम ऑफ द होल ए स्प्रिंग आई हैड नॉट नोटिस्ट इट विच एक्टेड एट वंस विद ए ट्रमेंडस फोर्स एंड एट वन बाउंड शॉट मी अप स्ट्रेट इन टू द एयर तो वो जाती हैं बिल्कुल उस स्रोत तक जहाँ से अचानक एक गंगा निकल पड़ती हैं आप देखिए गंगा अवतरण की भी ये स्टोरी की पाताल में चली जाती हैं अभी भी जो दक्षिण गंगा हैं कावेरी तो उनका एक औरिजिनल स्रोत है तो अब कावेरी बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली गंगा हम लोग जो सुनते हैं कि वहाँ से आई अब ये कौन सी गंगा है ये पाताल में चली जाती हैं और अगर आप दक्षिण गंगा जो कावेरी हैं वो अगस्त ऋषि ने जिनको प्रकट किया था अगर आप उसके स्रोत में जाएंगे तो स्त्रोत कहाँ एकदम नीचे से एक कोई स्प्रिंग के रूप में हल्का सा पानी निकल रहा है या ऐसा लगे कि कोई कुआँ है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो वहाँ ओरिजिन ओरिजिन है एक संकीर्ण कुआं वहाँ लोग स्नान भी करते हैं या पानी लेते हैं लेकिन मूल रूप से ये है कि वो पाताल से बाहर निकल रही हैं तो हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले उन्नीस में 29 फरवरी का कि वो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होता है और वो पूरा इनकॉन्शियंट में चला जाता है फिर वो एक छोटे से मनुष्य के मन के अंदर जो बहुत हार्ड है रिजिड है उसके अंदर नीचे से धीरे 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 क्रीप कर रहा है सीप कर रहा है तो वो स्थान माँ खोल देती हैं उनके जाने मात्र से और वहाँ पर वो रिलीज कर देती हैं उन सीड्स को सीड्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड यानी उस वेद को जो अब नए जगत को सृष्टि करेगा उसको वो रिलीज कर देती वहाँ पर फिर माँ उस अनुभव को बहुत आगे तक पूरा बढ़ाती हैं और कहती हैं कि आई वॉज आइडेंटिफाइड विद इट दैट स्प्रिंग वॉज ऑल पावरफुल इन्फिनेटली रिच यानी वो सुपराम क्रिएशन है उसी में पूरी पावर है इनफिनिटली रिच यानी उसके अंदर सब संभावनाएं हैं इट वॉज एज इफ आई से एज इफ बिकॉज इट कुड नॉट बी सीन एज इफ दिस वास्ट वॉज अप ऑफ काउंटलेस इम पॉइंट्स पॉइंट्स दैट डिड नॉट ऑक्यूपाई एनी प्लेस इन स्पेस पॉइंट्स दैट वेरी डीप वाम गोल्ड बट दिस वॉज ओ ओनली इन इम्प्रेशन ए ट्रांसलेशन यानी अगेन वो ऐसे स्थान पे पहुंच गई हैं जहाँ स्पेस और टाइम कोलैप्स कर जाते हैं जैसे ऊपर अगर हम जाते जाएँ जैसे कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट तो आप एक पॉइंट पर आएंगे जहाँ पे स्पेस और टाइम कोलैप्स कर जाएगा इवन फिज़िकली तो उसी प्रकार से एक ऐसा ब्लैक होल है जहाँ पर स्पेस और टाइम कोलेप्स कर जाते हैं बिकॉज इट इज़ दैडो तो वहाँ पर वो उन बीच को पाती हैं जो पॉइंट्स जो ग्लिमर कर रहे हैं आना चाह रहे हैं निकलना चाह रहे हैं और माँ कहती मैं उनको सब जगह अनुभव करती हूँ मेरे चेहरे के ऊपर इट वॉज एज इफ दैट कंटेंट ऑल द वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल दैट दो इट हैड नो फॉर्म हैड द पावर टू बिकम फॉर्म तो वो बीज अब आए हैं वो बीज अब कोई भी रूप ले सकते हैं इस सब मनुष्यों के अंदर वो अलग अलग रूप से प्रकट होंगे वे मनुष्य जो अब इस तैयार हैं इस नेक्स्ट लीप के लिए तो वो कहती हैं कि वो सारा आके मेरे फेस में भी चिपक जाता है फिर वो उसको एक्सप्लेन करती हैं पहले फिर से वो पढ़ती हैं इस अनुभव को फिर कहती हैं कि जनरली द इनकॉन्शियंस गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ समथिंग एमॉर्फस इनर्ट फॉर्मलेस न्यूट्रल एंड ग्रे तो अपने आप में निश्चेतन निश्चेतन इज लाइक like एक वही पाताल गंगा उसके अंदर कोई एग्रेसिवनेस नहीं है वो एक डार्कनेस है लेकिन उस तो डार्कनेस में आप प्रकाश लाएंगे तो प्रकाशित होगा जैसे आप कहीं पर चले जाएं जहां पूरा अंधकार से भरा हुआ है तो आप अगर प्रकाश जलाएंगे तो प्रकाश होगा वो रेजिस्टेंस नहीं है उसके अंदर लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ आपने प्रकाश जलाया और चारों तरफ से स्टॉर्म आने लगा उस प्रकाश को बुझाने के लिए तो ये डिफरेंस है Uh, उस इनकॉन्शियंट में जो ओरिजिनल है और मेंटल इनकॉन्शियंट में सीमा बता रही हैं फॉर्मरली व्हेन आई एंटर्ड इनटू द जोन्स ऑफ इनकॉन्शियंस दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई मेट तो इसका अनुभव उन्होंने हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब माँ अल्जीरिया में होती हैं तो कैसे वो इन में जाती हैं और वहाँ द फर्स्ट अवतार जो सोए हुए वहाँ पे वो वहाँ आके वहाँ से कार्य कर रहे हैं हालांकि क्योंकि निश्चेतना का प्रभाव है तो वे भी नित्रामग्न हो गए हैं किंतु वे बीच बीच में जागते हैं और परिवर्तन आता है तो सारे अवतार वहाँ जा के उनको जगाते हैं तो वो जागते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट उनके पास है तो सीमा बताती हैं पहला अनुभव उनका जब वो जाती हैं और वो आंखें खोल करके जो फर्स्ट अवतार हैं वो आंखें खोलते हैं और सृष्टि प्रारंभ होती है यही वर्णन हम सावित्री में जो पहला कैंटो है कि इट वाज दी अवर बिफोर दी गॉड्स अवेक ये इनकॉन्शियंट का वर्णन है और फर्स्ट अवतार का वर्णन है कि कैसे वहाँ प्रकाश जाता है और फिर अचानक सृष्टि का प्रारंभ होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है जो आंतरिक इवेंट है सीमा की योग यात्रा में Formerly, when I entered into the zones of inconscience, uh, that was the first thing that I met. amorphous, inert, formless. But in my experience yesterday, it was an inconscience, hard, rigid, coagulated, as if coagulated for a resistance. It was a mental inconscience. All efforts make no impression on it. नथिंग कैन पेनेट्रेट it. तो ये माइंड के साथ ये चीज़ें जो हम लोगों ने कल परसों भी शायद इसके बारे में बात की कि पहले कौन लोग रिस्पोंड करेंगे इस नए जगत के प्रति माँ कहती जो बड़े सिंपल लोग होंगे जिनके अंदर श्रद्धा होगी जिनके अंदर प्रेम का बीज खुलेगा लेकिन सबसे कठिन कौन लोग हैं जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हैं इंटेलेक्चुअली लेकिन माँ ये कहती हैं कि यदि उनके अंदर फेथ जाग जाए तो जो रिजल्ट होगा वो मार्वेलस होगा लेकिन वो बहुत कठिन है फिर वो बताती हैं इट वॉज नॉट दी ओरिजिनल इनकॉन्शियंट इट वॉज इफ वन में से सो ए मेंटलाइज इनकॉन्शियस उस इनकॉन्शियस ने एक मनोमय रूप धर लिया है अब देखिए इनकॉन्सियंट तो इनकॉन्सियंट है लेकिन जब वो रावण के रूप में प्रकट होता है कि अहम ब्रह्मास्मी तो वो कितना भयानक होता है ऑल दिस रिजिडिटी हार्डनेस नैरोनेस फिक्सिटी कठोरता हार्डनेस रिजिडिटी को आई डोंट नो वट वुड बी द बेस्ट वर्ड लेकिन कोई चीज़ जो uh, नमनीय नहीं है जो बदलना नहीं चाहती रिजिड है नैरोनेस संकीर्णता फिक्सिटी जो मैं सोच रहा हूँ बस वैसे ही फिक्स है वो उससे कोई उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपोजिशन जो अपोज करती है भगवान के प्रकाश को केम फ्रॉम ए मेंटल प्रजेंस इन द क्रिएशन दिस इज वॉट द माइंड हैज ब्रॉट इन टू द इनकॉन्सियंट तो उसी की बात कल भी हम लोग कर रहे थे द फॉल जिसकी बात uh, कल सीमा बताती हैं द ओरिजिनल सीन माइंड के साथ जो फॉल होती है वेन द माइंड हैड नॉट मैनिफेस्टेड द इनकॉन्सेंट वॉज नॉट लाइक दैट इट वॉज फॉर्मलेस एंड हैड द प्लास्टिसिटी ऑफ फॉर्मलेस थिंग्स दैट प्लास्टिसिटी हैज डिस अब उसके अंदर uh, वो अब रिजिट हो गया है वो बदलना नहीं चाहता द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस इज अ वेरी एक्सप्रेसिव इमेज

Uh, श्री कृष्ण के प्रति जो व्यवहार होता है दैट वॉज प्रिस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई वॉज इन फैक्ट ट्राइंग टू लुक इन टू द मेंटल इनकॉन्शियस ऑफ पीपल एंड दिस मेंटल इनकॉन्शियस रिफ्यूजेज टू चेंज तो कहती है कि वो बदलना ही नहीं चाहता है uh, जब मैंने ये देखने की चेष्टा की फिर उन्होंने ऑल स्प्रिंग की बात करती हैं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं कि ये भगवान का अरेंजमेंट है कि जहाँ शेडो है वहीं पर प्रकाश ने अपने आप को छुपा रखा है क्योंकि शेडो की तरफ हम जाएंगे आकर्षित होंगे वो उसने तो सब तरफ लपेटा हुआ है तो हम भगवान वहीं छिप जाते हैं तो वेद जो जाते हैं वो अपने अगर स्टोरी पढ़ें तो बड़ी बचकानी सी कहानी है कि मानो Uh, इतना पावरफुल था डेमन कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रमित करके चकित करके ले गया वेद और ले जाके छिपा दिया वेद अपनी मर्जी से जाते हैं क्योंकि इनकॉन्शियंट और सबकॉन्श में भी प्रकाश आना है कई बार मैं देखता हूँ अभी हाल में किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था कहीं कोई लेक्चर चल रहा है इंटीग्रल योगा पे तो उसमें लिखा है कि इंटीग्रल योगा क्या है बॉडी प्लस लाइफ प्लस हार्ट प्लस माइंड प्लस सोल प्लस स्पिरिट तो मैंने कहा जो दो मुख्य खिलाड़ी हैं वो मिसिंग है मेरे से उन्होंने कमेंट पूछा कौन से दो मुख्य खिलाड़ी हैं इनकॉन्शेंट नहीं है सब कॉन्शियंट इनकॉन्शंट दूसरा सुपर कॉन्शियंट ये तो असल योग तो इन दोनों के बीच में चलता है ये <laughs> तो बीच बिचौलिए वाले प्लेयर्स हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन तो यही हैं खेल के बिना इनको क्योंकि अगर इनकॉन्शंट नहीं है तो फिर तो बहुत आसान है ये योग में बार बार ये किसी भी योग यात्रा में पुल बैक होता है आदमी बार बार नीचे की ओर खिंचता है क्यों क्योंकि इनकॉन्शियंट उसको पीछे बैठा है वो जाने नहीं देता है और ये ये भी एक प्रोसेस है क्योंकि उसको भी बदलना है वो एक ऐसे ज़िद्दी बच्चे की तरह हैं जो कहता है कि नहीं मुझे भी चाहिए तो आप कहते हैं लो तो कहता है नहीं मुझे पता नहीं क्या चाहिए या वो लेता है आपने उसको बड़ी प्रेशियस चीज़ चीज़ दे दी कि हाँ मेरे पास ये है जैसे बच्चे होते हैं ना आपके हाथ में क्या है आप दिखाइए तो आपने दिखा दिया बड़ा बेशकीमती हीरा है बच्चे ने उसको लिया और उठा करके नाले में फेंक दिया तो फिर अब वो रो रहा है कि उसने फेंक दिया अब आप फिर जाते हैं उसको निकालते हैं उसको साफ़ करके फिर दिखाते हैं फिर वो देखता है दो मिनट को चकाचौंध होता है फिर वो उस उठा के दे फेंक देता है तो ये मेंटल इनकॉन्शंट की ये समस्या है कि वो रजिस्ट करता है और वो उसका मूल्य नहीं जानता है तो सीमा बताती है लेकिन हीरा वहीं छिपा हुआ है वहीं पर उसी नाली के अंदर जहां वो बच्चा रो रहा है लेकिन उसको वो ये खेल खेल रहा है तो मां बताती है कि हम सबकी जो सबसे अधिक कठिनाई होती है वास्तव में वहीं पर सत्य का प्रकाश छिपा होता है और मां बताती है कि इट इज ए ग्रेस क्योंकि जो हमारी यूनिक कठिनाई है किसी की बॉडी में किसी के प्राण में किसी के हृदय के अंदर किसी के मन के अंदर और वहीं पर प्रकाश छिपा होता है अगर हम उसको टैकल कर लें तो हमारी प्रोग्रेस शीघ्रता से होगी और माँ कहती हैं हर किसी को ये दिया गया है जिसको क्रिश्चैनिटी में कहते हैं बेरिंग ओन क्रॉस तो हर किसी के लिए एक विशेष द्वार है जो खुलता नहीं जो सबसे कठिन होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज लेकिन जिस दिन वो खुल जाता है बाकी सब सरल हो जाता है तो ये एक इंडिविजुअल शेडो है इसको ईविल पर्सोना भी कहते हैं सीमा इसकी बात शेयरविंद के साथ एक पत्र व्यवहार है उसमें भी बताती हैं स्वयं सीमा बताती हैं कि उनके जन्म के समय से ये चारों असुर उनके साथ लगे हुए थे किसी ना किसी रूप में उनके वातावरण में क्योंकि वो बिल्कुल पास में क्योंकि उनको पता भी है कि वो चेंज होना है देखिए श्री कृष्ण जन्म लेते हैं कहाँ उसी कुल में जहाँ उनको विनाश करना है। उन्हीं के भाई भाईबंद शिशुपाल कृतवर्मा सारे उनके कुल के लोग हैं सराउंडेड हैं तो इस तरह से संसार का अरेंजमेंट है फिर वो बताती हैं फॉर्मलेस लिमिटलेस वास्ट वाइब्रेटिंग विद द सीड्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड स्पष्ट करती हैं दिस डज नॉट रेफर टू द प्रिमोडियल क्रिएशन बट टू द सुप्रमेंटल क्रिएशन कि वो ओरिजिनल वेद जो प्रीमोडियल क्रिएशन के पहले जो सीड्स हैं बीज हैं वो नहीं है अब देखिए वेद भी ऐसे प्रकट होते हैं कहते हैं कि मुख से वो ओंकार का स्वर निकालते हैं ब्रह्मा जी उन्हीं की आपदवानी वेद बन जाती है तो वो सीड्स हैं अब वो ओरिजिनल सीड जो क्रिएशन के वो तो एक हैं वो ब्रह्मा जी के पास हैं लेकिन माँ तो अब वेद के परे यानी वो सीड्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड लाई हैं तो वो एक न्यू क्रिएशन है तो, है। तो बताती हैं कि ये सुपरामेंटल क्रिएशन की सत्य है जो वो रिलीज करती हैं फिर वो बताती है देर वॉज इन एंटायर इंप्रेशन ऑफ पावर ऑफ वाम एंड ऑफ गोल्ड इट वॉज नॉट फ्लूड लाइक ए पाउडर थिंग्स दे कैनोट बी कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगमेंट और इवन पॉइंट्स वॉज लाइक ए लिविंग गोल्ड ए पाउडर मिस्ट ऑफ वाम गोल्ड ये एक्सपीरियंस जो क्लोजेस्ट है जैसे एक पानी की बड़ी माइन्यूट स्प्रे हो नियाग्रा फॉल Uh, कोई जाए तो एक पोर्ट में बैठकर पूरा वो पहन करके तो अब मेन फॉल तक तो पहुंचेंगे नहीं पर बोट में ही रहेंगे तो उससे एक मिस्ट जैसी आती है जो पूरे जगह जगह लगती है तो वो ड्रॉपलेट्स हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं केवल अनुभव कर सकते हैं वो मिस्ट जो आपके पूरे शरीर पर आ रही है और ये छपाक भी नहीं है कि जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ डाली तो छपाक होकर के आई एक मिस्ट सी है जो पानी के अंदर ऊपर से जल प्रपात के गिरने से जो नीचे पानी है उन दोनों के बीच से उठती है तो ये उस प्रकार का एक अनुभव है जो वो करती हैं वन कैनॉट कॉल इट ब्राइट नॉर वन कैन कॉल इट डार्क नाइदर वॉज इट लाइट ए मल्टीट्यूड ऑफ स्मॉल पॉइंट ऑफ गोल्ड और उसके साथ क्या जुड़ी होती है पावरफुल पीस बहुत शांति दूसरा ट्रमेंडस फोर्स और एंड इट वॉज रिच एब्सोल्यूट पीस परफेक्ट स्टिलनेस अब आके कहती हैं एंड दिस ऑल माई टी स्प्रिंग वॉज ए परफेक्ट इमेज ऑफ वॉट हैपन्स इज बाउंड टू हैपन एंड विल हैपन फॉर एवरीबडी ऑल एट वंस यू शूट अप इन टू द वास्ट तो ये उनका अनुभव है इसको वो बाद में और भी डिटेल में बताती हैं कि कैसे वो लिंक बना रही हैं उस जगत के सुपरमेंटल वर्ल्ड और इस जगत के पीछे लेकिन अब हम लोग चूँकि वार्ता का ये अंतिम हम कह सकते हैं कि एपिसोड है इसके बाद बाकी सांधिवार्ताएँ नहीं होंगी आउटवर्डली एक महीने के लिए सीमा ये ये सारा जो काम कर रही थी इन कॉन्शन में उतर कर जो एक्सट्रीम डिफिकल्टीज पूरे विश्व में विश्व के उस हलाहल को पी रही थी लेकिन उनको बॉडी में भी रहना है क्योंकि अभी काम वो सिक्योर करना चाहती है न्यू वर्ल्ड आ गया है लेकिन वो तो बहुत कठिन रूप से कार्य करेगा सीमा एक जगह कहती हैं कि अब सुपर माइंड के हवाले है ये संसार तो पहले तो मैं तुम लोगों को बचाती रहती थी लेकिन अब सुपर माइंड आ गया वो तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है तो वो जो सच है उसी को बचाएगा वो एक्ट करेगा बाकी सब चीजों पे हाँ जो लोग की ग्रेस की तरफ खुले वो एक अलग बात है पर वो कहती हैं एक जगह कि द वर्ल्ड नाउ टू जिसकी बात हम लोग कल पढ़ रहे थे तो फिर भी वो मां है तो वो नहीं चाहती है वो जानती कि जब सत्य चेतना कार्य करेगी तो मनुष्य का क्या हाल होने वाला है जो मिथ्यात्व में जीना तो उसको उसी को सत्य लगता है तो इसी उसमें हम देखेंगे उन्नीस सौ में माँ जगह जगह सबको सचेत कर रही हैं कि कैसा जीवन जियो कैसे तुम तैयार बनो हो और इसी कंटेक्स्ट में एक तो उनकी टॉक है तेरह अगस्त उन्नीस की तो उसमें एक बड़ी अद्भुत सूत्र देती हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ क्या बताने आई हूँ अरविंद क्या बताने आए, आए हैं बिकॉज़ uh, वो कहती पहले सचेत बनो यू गो टू द समाधि लुक एट श्योर बिंदोज पिक्चर यू कम टू रिसीव ए फ्लावर फ्रॉम मी सिट डाउन टू ए लेसन यू डू एवरीथिंग यू डू बट विद वन क्वेश्चन विद इन यू वाई तुम क्यों कर रहे हो ये सब क्योंकि उस समय ये सारी चीजें हो रही थी लेकिन माँ देखती है कि रिसेप्टिविटी नहीं है अनकॉन्शियसनेस है तो कहती है तुम ये प्रश्न करो कि क्यों तुम कर रहे हो तुम यहाँ क्यों आए हो फिर तुम प्रश्न करोगे तो तुम्हें उत्तर मिलेगा क्या प्रश्न करना है कि तुम ये क्यों कर रहे हो जो भी काम कर रहे हो क्योंकि हम नहीं चाहते अब वो खुद ही उत्तर दे रही हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जीवन जैसा है वैसा ही रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिथ्यात्व और अज्ञान इस सृष्टि में रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीड़ा और अचेतनता और अधिक रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिसऑर्डर अव्यवस्था दुर्व्यवस्था बैडविल दुस्संकल्प यही संसार में रहे क्योंकि शेरविंद हमें बताने के लिए आए हैं क्या बताने के लिए आए हैं ये एक पैसेज में समराइज किया उन्होंने शेरविंद के मैसेज को इट इज नॉट नेसेसरी टू लीव द अर्थ टू फाइंड द दूथ सत्य को पाने के लिए धरती को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी टू लीव लाइफ टू फाइंड वन सोल जीवन को त्यागने की जरूरत नहीं है सोल को पाने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव अप द वर्ल्ड और टू हैव लिमिटेड बिलीव्स इन ऑर्डर टू एंटर इन टू रिलेशन विद द डिवाइन संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए ना लिमिटेड बिलीव्स लिमिटेड बिलीव्स कौन से हैं जो रिलीजियस बिलीव्स हैं भगवान ऐसा है वैसा है हमारे मत में है तुम्हारे मत में नहीं है ये किताब पढ़ोगे तभी भगवान मिलेगा ऐसे पोस्चर में बैठोगे तभी मिलेगा ये सब लिमिटेड बिलीव्स हैं वो सर्वत्र है सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है प्रत्येक क्षण वो हम सबके बीच में खड़ा हुआ है हम देख नहीं पाते तो ये वो अंत में बताती हैं द डिवाइन इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग एंड इफ ही इज हिडन इट इज बिकॉज वी डो नॉट टेक द ट्रबल टू डिस्कवर हिम देखिए अद्भुत बात है कि सब जगह है सब चीज के अंदर है इतने करीब है हमारे कि हमारी श्वास और हृदय की गति से भी अधिक करीब है तो हम क्यों नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर अभिप्सा ही नहीं है हम जीवन जैसा चल रहा है उसी में खुश हैं तो वो किसी ने लिखा था ए डे इन द डायरी ऑफ द लॉर्ड कि वो सुबह से शाम तक भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी लेकिन वो व्यक्ति मगन है अपनी दुनिया में और भगवान के लिए जब वो जाता भी है भगवान के सामने या प्रतिमा या पिक्चर के सामने तो भी वो अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा क्या भला होगा मेरा रोग कैसे ठीक होगा मेरी समस्या का कैसे समाधान होगा उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है फिर वो कहती हैं वी कैन सिंपली बाई सिंसियर एस्पिरेशन ओपन ए सील्ड डोर इन एस और फिर वो कहती हैं दी स्टार्टिंग पॉइंट आवश्यक क्या है टू वांट इट ट्रूली वांट इट टू नीड इट वही चीज़ जो श्री रामाकृष्ण परमहंस एक डिसाइपल जब पूछता है कि भगवान को कैसे पाए, तो कुछ नहीं कहते हैं वो चलते चले जाते हैं गंगा में तो वो भी पीछे पीछे चला आता है गंगा में कहते भगवान कैसे पाए कहते डुबकी तो लगा तो डुबकी लगाता है बस हाथ रख के वो बाहर नहीं आने देते हैं बड़ी देर बाद वो बाहर आता है सांस लेता है कहते हैं महाराज क्या कर दिया आपने कहते हैं क्या चाहिए था तुझे कहते हैं सांस तब वो बताते हैं कि जब इस तरह से तुम भगवान को चाहोगे तो भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे जब वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सांस से अधिक महत्वपूर्ण है यानी इसलिए नहीं कि मेरी सांस बच जाए मेरा जीवन बच जाए मेरे रोग नहीं हो मुझे मृत्यु ना हो इन सब साइड कारणों से नहीं उनकी सेवा केवल सेवा के जॉय के लिए किसी और प्रयोजन से नहीं तो ये नीड फिर वो बताती हैं द नेक्स्ट स्टेप टू थिंक अबाव ऑल ऑफ दैट उन्हीं के बारे में सोचो इट डे कम्स वेरी क्विकली वैन वन इज अनेबल टू थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स फिर वो बताती हैं वन फॉर्मुलेट्स वन एस्पिरेशन दैट इज द वन थिंग विच काउंट्स एंड देन वन फॉर्मुलेट्स वंस एस्पिरेशन लेट्स द ट्रू प्रेयर स्प्रिंग अप फ्रॉम वंस हार्ट एंड द प्रेयर विच एक्सप्रेस इज द सिंसेरिटी ऑफ द नीड ये कोई वो प्रार्थना नहीं है जो हम पढ़ी पढ़ाई प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने ये मंत्र उठा लिया वो ठीक है किसी किसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक प्रार्थना होती है जो हमारे हृदय की गहराई से उतर उठती है वो एक प्रार्थना होती है वो एक वेद होता है वो एक मंत्र होता है तो सीमा ये बताती हैं और सांधिवार्ता के अंत में हम लोग उनकी पीड़ा अनुभव कर सकते हैं ये जो जिनको लगता है भगवान को पीड़ा नहीं होती है कैसे नहीं होगी जब वो संसार सृष्टि को देख के अगर उनको पीड़ा नहीं होती तो भगवान नहीं है लोग कहते हैं कि नहीं भगवान को पीड़ा नहीं होती अगर पीड़ा नहीं होती है तो ये डाउटफुल है कि भगवान है कौन एक थोड़ी सी से भी सेंसिटिव व्यक्ति अगर इस संसार को देखेगा तो वो कैसे पीड़ित नहीं हो सकता है वो सब अचित अंधकार अज्ञान मिथ्यात्व ये सब देख के निश्चित रूप से पीड़ित होगा अल्लेस वो केवल अपने कंफर्ट जोन में रहने से खुश है तो भगवान की पीड़ा क्या है हम यहां देखते हैं ये अंतिम वार्ता है 26 नवंबर उन्नीस सौ अट्ठावन एक छः दिसंबर की भी है वो फ्राइडे क्लास की है मैं वेडनर्सडे क्लास की पढ़ रहा हूँ ये बहुत अद्भुत है माँ कहती हैं इनफैक्ट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैन आर लाइक प्रिजनर्स विद ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज अधिकांश मनुष्य एक जेल में जी रहे हैं जहां उन्होंने ना केवल जेल में है बल्कि जो विंडोज और डोर्स है उसको भी बंद कर रखा है सो दे सफोकेट यही हमारी पीड़ा का कारण है विच इज क्वाइट नेचुरल सफोकेशन होगी पीड़ा होगी दुख होगा बट दे हैव विदी दैट ओपन्स द डोर एंड विंडोज एंड दे डो नॉट यूज इट सर्टेनली देर इज अ टाइम वेन दे डोंट नो दे हैव दी तो तीन स्टेजेस हैं एक तो उनको पता नहीं है कि चाबी है हमारे पास खोलने की दूसरा उनको पता है लेकिन वो उसको यूज नहीं करते हैं बट लॉन्ग आफ्टर दे हैव कम टू नो इट लॉन्ग आफ्टर दे हैव बीन टोल्ड अबाउट इट दे हेजिटेट टू यूज इट एंड डाउट वेदर इट हैज़ द पावर टू ओपन द डोर्स एंड विंडोज और इवन दैट इट इज़ ए गुड थिंग टू ओपन देम सीमा क्या कह रही हैं कह रही है मैंने तुम सबको चाबी दे दी है फिर भी तुम अप्लाई नहीं करते हो तुमको डाउट है अभी भी कि वो द्वार खोलूँ खोलेंगे तो क्या होगा ना जाने हम क्यों ना अपने जो नॉर्मल लाइफ है नॉर्मल ढर रहा है उसी के अनुसार जीते रहें एंड इवन व्हेन दे फील दैट आफ्टर ऑल इट माइट बी गुड दे रिमेन्स सम फ़ियर व्हाट विल हैपन व्हेन दीज डोर्स एंड विंडोज आर ओपन एंड दे आर अफ्रेड दे आर अफ्रेड ऑफ बींग लॉस्ट इन दैट लाइट एंड फ्रीडम सीमा बताती हैं कि श्री कृष्ण भी संसार को फ्रीडम और डिलाइट देने आए थे लेकिन मनुष्य कहाँ तैयार है तो इतना प्रकाश इतनी फ्रीडम नहीं नहीं हमको तो अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार चलना है अब वो सिस्टम चाहें बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा सिस्टम हो लेकिन हम बदलाव नहीं चाहते तो यहाँ पे सीमा ये बता रही हैं कि वो फ्रीडम जो हमारे इस प्रकाश से आती है उस लाइट से आती है जिसमें हम चीज़ों को नए ढंग से देख सकते हैं दे वॉन्ट टू रिमेन वट दे कॉल देम सेल्व्स दे लाइक देयर फॉल्सूड एंड देयर बॉन्डेज समथिंग इन देम लाइक्स इट एंड गोज ऑन क्लिंगिंग टू इट दे स्टिल हैव द इम्प्रेशन दैट विदाउट देयर लिमिट्स दे वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट अपनी सीमित सत्ता को लूज नहीं करना चाहते अपने सीमित अधिकार को अपने सीमित ज्ञान को लूज नहीं करना चाहते हैं इन्फिनिटी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं करना चाहते हैं इसीलिए ये यात्रा इतनी लंबी है इसलिए इसीलिए इतनी कठिन है दैट इज वाई द जर्नी इज सो लॉन्ग दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर इफ वन ट्रूली कंसेंटेड टू सीज टू एग्जिस्ट एवरीथिंग वुड बिकम सो ईजी सो स्विफ्ट सो ल्यूमिनस सो जॉयफुल बट पर नॉट इन द वे दैन अंडरस्टैंड जॉय वही जो कल परसों बात हो रही थी कि कटाए सर जो फत में वही सरदार होता है दाना खाक में मिलकर गुले गुलफार्म होता है यदि हम तैयार नहीं अपने ईगो को खोने के लिए अपनी पर्सनालिटी जिससे हम अटैच्ड होते हैं हम ये हैं हम वो हैं हमारी ये पोजीशन है हमारी ये कुर्सी है तो हम कहा तैयार हैं न्यू वर्ल्ड के लिए वो तो बहुत दूर की चीज है इन ट्रूथ देर आर वेरी फ्यू पीपल हु डू नॉट एंजॉय फाइटिंग झगड़ा करना यही मनुष्य का प्री ऑक्यूपेशन है देर आर वेरी फ्यू हु कुड एक्सेप्ट दबसेंस ऑफ नाइट

और वो न्यू बर्थ क्या है टू बी बॉर्न इन टू द स्पिरिट कि वो जो मन का एक एम्पायर है जिसके आधार पर तुम काम करते हो और जिसको सब कुछ समझते हो अब उसकी जगह इस नए सत्य को धारण करो नए प्रकाश को धारण करो जो तुम्हें ट्रू फ्रीडम की ओर ले जाएगा वो फ्रीडम नहीं कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करूँगा ना अपने ईगो के अधीन ना किसी और के ईगो के अधीन बल्कि केवल भगवान के अधीन ट्रू फ्रीडम ट्रू डिलाइट उस ओर ले जाएगा जो आनंद है जो सच्चा आनंद वो नहीं जिसको हम अभी जॉय कहते हैं जो कुछ क्षण का आजकल कल वो व्हाट्सएप की परिवार में ही सुख है इसमें ही सुख है ये तो फिर वापस हम उसी धरे पे जा रहे हैं वो आनंद जो किसी बाहरी अवस्था पे निर्भर नहीं करता है एंड ट्रू पीस जो अनकंडीशनल है जो स्टॉर्म के अंदर भी है साइक्लोन में भी है और महाविनाश हो रहा उस सृष्टि का तो भी वो शांति सदैव अंदर रहती है ये वो न्यू बर्थ है दिस इज द लास्ट ऑफ द टॉक्स गिवन इन दी प्ले ग्राउंड इसके बाद एक नया अध्याय प्रारंभ होगा सीमा के योग का